हेलो राधे राधे सभी को। हाँ राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ ज्योति शर्मा फ्रॉम हिमाचल। प्लीज जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। हेलो, प्लीज जल्दी जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आई होप आप सबको क्लियर नजर आ रहा होगा। राधे राधे। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अमूल पेज का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया इस मंच पे लाइव आने का। तो उनके लिए अमूल पेज का बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड धन्यवाद करना चाहूंगी मैं दीपा मैम का, जिनकी वजह से हम ये लाइव कर पा रहे हैं और वो हमें इतना सजेस्ट करते हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो थैंक यू सो मच दीपा मैम। प्लीज जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूंगी। चलिए, मैं आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश दाल बाटी चूरमा, जो हर किसी को पसंद आता है और काफी टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो जो मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये पंचमेल दाल ली हुई है। अगर आपके पास ये वाली दाल अवेलेबल ना हो तो आपके पास जो घर में दाल रखी होती है उसको भी आप मिक्स कर सकते हैं। इक्वल पार्ट में आप सभी को मिक्स कर ले, उसके बाद आप इसको 15 मिनट के लिए भिगो दे। इससे क्या होगा कि दाल आपकी इजी जल्दी बन जाएगी। और जो उड़द की दाल है उसका जो पोर्शन है वो आप कम ले, अगर जो नहीं खाते हैं वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दाल बाटी के साथ हम लोग दाल भी कई तरीके की बनाते हैं। ये मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल अरहर की दाल और चने की दाल इनको भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल हो। मैं यहाँ पंचमेल मिक्स दाल बना रही हूँ। तो ये दाल मैंने ऑलरेडी देखिए बनाकर रखी हुई है, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। एक सेकंड, देखिए इसको मैंने हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है। अब इसमें हमें तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैन को रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बाटी का डो है उसको हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाटी बनने में टाइम लगेगा। और यहाँ मैंने ये कुछ मसाले लिए हुए हैं, अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाला, जीरा, थोड़ी सी मैंने ये इमली ली है और एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च ली है। लंबे टुकड़ों में इसको मैंने कट कर लिया है। और साथ में मैं चूरमा बना रही हूँ, तो चूरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकती हैं। और यहाँ पर ये मैंने पिसी चीनी ली है। तो बस चलिए अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हेलो सभी को, राधे राधे जी। आई होप आप सबको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये डो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो हम बाटी बनाएंगे ना तो उसको सिकने में टाइम लगता है। तड़का तो हमारा तैयार हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि लाइट में क्या है हम लोगों के पास समय ज्यादा नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हम ये बाटी तैयार करेंगे। तो बाटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लूंगी, और मैंने इसको, आप थोड़ा दरदरा आटा भी ले सकते हैं, मैंने इसको छान लिया है। हाफ बाउल मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, जितनी आपको बाटी बनानी हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अमूल का घी डालेंगे,
जिससे कि क्या होगा, हमारी जो बाटी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और घी से इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच मैं यहाँ पर अमूल का देसी घी डालूंगी काओ में। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक लूंगी, आप कोई भी नमक ले सकते हैं, सेंधा या टाटा सॉल्ट कोई भी। और उसके बाद मैं यहाँ पर दाल बाटी भी ना, बाटी जो है वो भी मस्त दो तीन तरह की बाटियां बनती हैं, मैं यहाँ पर सिंपल वाली बना रही हूँ। एक मसाला बाटी भी बनती है। यहाँ मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिए, इसको हम हाथों से क्रश कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो बाटी का जो इसका अजवाइन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा क्रश करके डालने से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और क्रिस्पीपन आने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर सोडा डालूंगी, मीठा सोडा। अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से ही करेंगे। और इसका जो डो है वो हमें ज्यादा मतलब लूज नहीं करना है, हल्का सा सख्त रखना है। तो देखिए बाटी ना, हम जो राजस्थान के लोग होते हैं वो तो हर घर में आपको बाटी कुकर मिलेगा। अब जिसके पास बाटी कुकर नहीं होता है वो कैसे बाटियां बनाए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप दो तीन तरीके से बाटियां बना सकते हैं। तो देखिए आटा, देखिए इस तरीके से हो जाना चाहिए। देखिए आप इस तरीके से ये आटा, ये लड्डू, इससे अगर आप हल्का सा मोहन इसमें डालेंगे ना, तो जो आपकी बाटियां वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनेंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आटे को हल्का सा सख्त ही रखना है। हेलो, आई होप आप सबको क्लियर नजर आ रहा होगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा सख्त डो ही इसका रखना है। और मैं जिस तरीके से ये बाटी बनाती हूँ ना, यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बनती है। आपका कभी भी घर खाने का मन करता है और बाटी का कुकर नहीं है, वैसे तो काफी लोग बना लेते होंगे, ऐसा नहीं है, फिर भी जिस जिसको नहीं पता है वो आप एक बार इस तरीके से भी आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। हेलो जी, मुझे ना किसी के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। हल्का हल्का सख्त सा ही हमें इसका डो रखना है, क्योंकि लूज रखेंगे ना तो हमारी बाटी जो है वो अच्छे से मतलब वो क्रिस्पी और वो नहीं होंगी। क्योंकि बाटी सिकने में थोड़ा सा समय लगता है। और जो चूरमा है, चूरमा की तैयारी मैंने आधी पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। इसी तरीके से इसमें क्या किया है हमने, इसकी जो ये जो बाटी बनाई इसमें मैंने नमक और अजवाइन ऐड की है। चूरमा के लिए मैंने सादा मोहन डाल के इसकी इसी तरीके से बाटी सेक ली है। आप चाहे तो उनको डीप फ्राई भी कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पर कम ऑयल का यूज करके ही किया है। तो सबसे पहले हम अपनी ना बाटी ही बनाने रखेंगे। तो देखिए इसका डो जो है वो तैयार हो चुका है। और दाल को ना आप 15 मिनट पहले भिगो देंगे तो दाल ना इजी से बन जाएगी, ज्यादा दाल में भी पकने में समय नहीं लगता है। मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही दाल को बॉईल किया है। तो देखिए ये आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है इस तरीके से, देखिए ये कितना सख्त आटा है। अब हम इसके स्मॉल स्मॉल पेड़े से बना लेंगे। मैं इसको अप्पे स्टैंड में बना रही हूं, थोड़ा सा इसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इस तरीके से देखिए हेलो जी सभी को, ये अप्पे स्टैंड को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है।
इस तरीके से हमें ये, क्योंकि हमारे मेरे पे जो स्टैंड जो है उसके जो खाने हैं वो बहुत छोटे, मतलब ज्यादा छोटे नहीं है, इसी उसी तरीके से हमें यहाँ पर पोर्शन लेना है आटे का। और ये जो रेसिपी है ये राजस्थान में तो हर घर में बनाई जाने वाली है और हर किसी की फेवरेट है। इस तरीके से देखिए, ये आपको, आप चाहे तो इनको अवन में भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ, जो आप भी ट्राई कर सकते। देखिए अप्पे स्टैंड तो हर किसी के घर में मौजूद होता है, वेल कुकर में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सिंपल वाले जो कुकर आते हैं, पर इसमें तो एकदम क्रिस्पी सिकती है। तो देखिए यहाँ ये मेरे कुछ पेड़ तैयार हो गए, मैं इस तरीके से इसमें ये रख दूंगी। जितने इसमें बन जाएंगे मैं सारे इसमें रख दूंगी। आप लोगों के कमेंट ना मुझे सच में शो नहीं हो रहे हैं, तो आप ये ना सोचे कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूं। हेलो योगेश जी, इसी तरीके से हम ये रख देंगे। जो बीच का जो पोर्शन होता है उसमें आग एकदम सीधी लगती है, तो वो वाली बाटियां हमारी जल्दी तैयार होंगी। और ये जो आटा मैंने गूंदा हुआ है ना, इसको मैंने, आप चाहे तो इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए भी रख दे। मैं इसलिए यहाँ पर रेस्ट नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि लाइव में समय नहीं होता है और बाटी सीखने में थोड़ा सा भाई समय लगेगा इस वजह से। और स्लो मीडियम फ्लेम पर ही आपको ये बाटियां सेकनी है, जिससे कि हमारी अंदर तक ये बाटियां अच्छे से सिक जाए, कच्ची ना रहे। तो देखिए इतने से डो में हमारी ये 8 बाटियां बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं इनको, आप चाहे तो इनको ढक दे, अगर नहीं ढकना चाहे, मैंने देखिए यहां पर इनको ढक दिया है, लीड लगा दें आप। अब इसके बाद हम सेकंड प्रिपरेशन करेंगे अपनी दाल के तड़के के। तो पैन को भी हम यहाँ पर हीट कर गरम कर लेते हैं। हेलो जी, आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। देखिए मैं यहाँ पर ये तड़का भी तैयार करती हूँ। तो आप ये जो दाल है आप उसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं आप उसमें भी तड़का लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो यहाँ जो ये जो दाल थी मैंने एक छोटी कटोरी हाफ ली हुई है, अगर देखिए आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो आप, ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप लहसुन को बारीक कट करके लहसुन को करें। मैंने यहाँ पर गार्लिक का यूज नहीं किया है, सिर्फ अनियन का यूज किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो गार्लिक है बहुत कम लोग खाते हैं, इस वजह से। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल गरम हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालेंगे, एक चुटकी। एक चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है,
और ये जो एक लंबे टुकड़ों में कटी हुई मैंने लाल मिर्ची ली है, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने ये थोड़ी सी इमली ली है, इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था, इसका पल्प निकाल लेंगे इमली का। और बीच बीच में आप अपनी बाटियों को चेक करते रहें, अभी तो इसमें टाइम लगेगा। देखिए जीरा भी हमारा गरम हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक हरी मिर्ची ली है छोटे टुकड़ों में काट के, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दो मीडियम साइज की मैंने यहाँ पर प्याज ली है, अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो आप यहाँ पर पहले लहसुन को भूने उसके बाद आप यहाँ पर प्याज ऐड करें। हेलो, बीच बीच में आप इसको चेक करते रहें, इसको टर्न करना है। मैं देखिए अच्छे से इसमें कलर आ रहा है। और ये जो हमने थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाला था, मीठा सोडा सॉरी, तो उसकी वजह से देखिए ये कितनी मतलब बीच में इनमें क्रैक आना स्टार्ट हो गया है। अगर बाटियों में क्रैक आने लगे ना तो समझ लो बाटी आपकी बहुत अच्छे से अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगी। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये रेसिपी पता नहीं पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग अगर प्यार देंगे तो हमें बनाने में और करने में और उतना ही आनंद आता है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे, तब तक हमारी ये दाल का तड़का तैयार होगा, तब तक शायद हमारी बाटियां अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप इसमें कितना बीच में से क्रैक हो गई है ये। अगर आप इसको कुकर में बनाए ना तो कुकर में आप क्या करें कि हल्का सा कुकर को ग्रीस करें, कुकर में घी डालें और उसके बाद आप इसमें बाटी बनाएंगे तो बाटी हमारी उसमें जलेंगी नहीं, और बीच बीच में आप उसको टर्न करते रहें, कुकर को आप हिलाते रहेंगे ना तो बाटी हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी और उसकी सीटी जो है वो आप निकाल लें कुकर के। सीटी जब आप निकाल लेंगे तो उसमें स्टीम नहीं बनेगी और हमारी बाटी अच्छे से कुक हो जाएंगी। सेकेंड तरीका आपका ये भी है आप इस, और थर्ड तरीका है आप इसको बाटी कुकर में बना सकते हैं, और फोर्थ तरीका आपका ये है कि आपको अगर बाटी खाने का बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है और आपको ज्यादा मतलब कुछ हटलेट ज्यादा नहीं करनी है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से भून गई है, देख सकते हैं आप, है ना, प्याज भून गई। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे, जिसको भूख नहीं होगी ना वो भी ये बाटी खाने की मन करेगा। जो लोग दाल नहीं खाते आप उनको बाटी दाल बाटी खिलाइए ना, खुशी खुशी खाएंगे।
हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो राजस्थान में जो लहसुन की चटनी होती है वो भी बहुत टेस्टी बनती है, बट मैंने वो चटनी नहीं बनाई है। देखिए बाटी हमारी आप देख सकते हैं, बिना ऑयल के ये बाटी हमारी बनकर तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कोई भी ऑयल का यूज नहीं किया है। तो ये टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, अच्छे से मैश करेंगे हम इनको। मसाला तैयार है, अब हम यहाँ पर अपनी दाल लेंगे। और ये दाल देखिए अच्छे से कुक हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये पंचमील दाल के साथ हम ये बाटी खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसमें हल्का सा बॉयल आने देंगे। देखिए बाटी हमारी एकदम तैयार होने वाली है, दिखाती हूँ मैं आपको नजदीक से। हेलो जी सभी को, अब इसमें ये जो इमली का पल्प था, इमली का पल्प मैंने निकाला हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे दाल में, जिससे इसमें और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप यहाँ पर अमचूर का यूज भी कर सकते हैं या फिर नींबू का। क्या बना रहे हो मैम? यहाँ पर मैं दाल बाटी बना रही हूँ। दाल बाटी चूरमा, देखिए दाल में अच्छे से बॉईल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाटी हमारी एकदम तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब मेरे हाथ जल रहे हैं, मैं इसको स्पून से ही टर्न करूंगी। तो ये बाटी हमारी कुछ रेडी हो गई है, हम इनको निकाल लेंगे। अब जब तक हमारी ये बाटी तैयार हो रही है, थोड़ी सी रह गई है और ये, तब तक हम अपने चूरमे की तैयारी कर लेते हैं। तो चूरमा बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बाउल लिया है। और ये जो बाटी बनाई थी, इस बाटी में मैंने नमक ऐड किया है, लेकिन चूरमे वाले दो में मैंने नमक और अजवाइन का ऐड नहीं किया है। वो ये सेक ली थी, इसी तरीके से मैंने ये बाटियां सेकी हैं और फिर उसके बाद मैंने इनको क्रश किया। थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ग्राइंड कर ली है, क्या हो रहा है,
मैंने यहाँ पर इनको ग्राइंड कर लिया है, तो हम एक बाउल में इनको ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दो बाटी का यूज किया है, दो बाटी में इतना सारा ये चूरमा बनकर तैयार हुआ है इसका। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, अमूल का काओ घी, मैं यहाँ 2 चम्मच घी यूज करूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बाटी हमारी तैयार हो गई है, मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, अच्छे से ही कुक हो गई है, आप देख सकते हैं कलर इनमें कितना अच्छा। दाल भी हमारी तैयार हो गई है, दाल को भी ऑफ कर दूंगी। अब हम इसमें ये मैंने पीसी चीनी ली हुई है। हेलो जी, हेलो रजिया, आ जाइए। अब हम मैं इसमें आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीसी शुगर ली है, ये घर पर ही मैंने इनको इसको ग्राइंड किया था, तो मैंने 1 स्पून का यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में कम मीठा खाते हैं, तो बस क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर शुगर का कम यूज कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है घी डालते ही, और इसकी जो खुशबू आ रही है ना वो तो लाजवाब है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लूंगी, आपको जो पसंद हो। तो मैंने आलमंड्स और काजू किशमिश इनको सबको मिक्स किया हुआ है, देखिए ड्राई फ्रूट्स तो आप इसमें भर भर के डालिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए चूरमा हमारा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो देखिए चूरमा हमारा हो गया रेडी। अब इसके बाद मैं तैयारी करती हूँ अपने रायते की। तो यहां मैंने ये अमूल का मस्ती दही लिया हुआ है, इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था, और यहाँ पर मैं खीरे का रायता ही बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियां हैं तो भाई खीरे का रायता तो बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक खीरे को ग्राइंड किया हुआ है, और अब मैं इसमें खीरे को मिक्स कर दूंगी। आ जाइए, सभी लोगों को इनवाइट कर रही हूँ अपने घर पर। थोड़ा सा यहाँ पर धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा पुदीना, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप फ्रेश पुदीने का यूज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिंपल नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार में काला नमक, क्योंकि रायते में बिना काले नमक के टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए ये भी हमारा रायता भी कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया, तो रायता भी तैयार है। अब हम बाटियों का, ये एक बाउल में मैंने यहाँ पर ये अमूल का घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया था, और ये जो बाटियां है ना इनको हम ये जो इस तरीके से हम इनको फोड़ लेंगे, देखिए, और इसमें घी में हम डिप करेंगे इनको, क्योंकि बाटियों को ना घी में खाने का ही, डिप करके खाने का ही जो मजा आता है ना वो अलग ही होता है, अलग लेवल का होता है। इस तरीके से देखिए इसको फोड़ लेंगे ना, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, आ जाइए भाई, इस तरीके से क्रश कर लेना है, देखिए
इसको डिप करते जाएंगे। और यहां पर हम इसको निकाल लेंगे बाटी को। जिस प्लेट में आप सर्व करें, क्योंकि बाटी का मजा तो वही है जब तक घी ऊपर तक बाटी में ना जाए अंदर तक, तब तक बाटियों का मजा नहीं आता। थैंक यू। आपको जब बाटी खानी हो ना तभी आप इसमें घी में डिप करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्लेटिंग कर लेती हूँ अपनी तैयार। आप लोग इसी तरीके से प्यार देते हैं। किस किस की फेवरेट है भाई, आ जाइए। हेलो, दाल को भी सर्व कर लेते हैं। दाल में ऊपर से तड़का और लगाना है मुझे। प्लीज बताइए आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करिए। ऊपर से हम इसमें घी दाल में घी का यूज करेंगे। थोड़ा सा सैलेड जो भी आपको पसंद हो। ये राजस्थानी थाली बनकर एकदम तैयार होती है हमारी। साथ में नींबू, हेलो हेलो महिमा जी, तो यहां देखिए ये ऊपर से धनिया, देखिए राजस्थान की दाल बाटी चूरमा तैयार है। आ जाइए आप सभी।
कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। दाल, खीरे का रायता, बाटी, चूरमा, सैलेड। थैंक यू। तो देखिए कितनी जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी और बिना बाटी कुकर के। तो आप भी इस तरीके से घर पर बनाइए और गर्मियों का आनंद लीजिए। तो हेलो सभी को, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। आ जाइए, वेलकम है सभी का राजस्थान की थाली में। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मेरा लाइव ज्वाइन किया और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट किए। थैंक यू अमोल, थैंक यू आप सभी का। बाय बाय, राधे राधे।